नमस्कार, सिटी स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। बड़ौदा शहर में नए न्यायालय का उद्घाटन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी, श्री प्रदीप सिंह जडेजा, बड़ौदा के सांसद रंजन बेन भट्ट, विधायक श्री राजेंद्र त्रिवेदी जी मौजूद रहे। साथ ही न्यायालय के उद्घाटन में बड़ौदा के सारे वकील भी मौजूद रहे। बड़ौदा से मुमताज खान की एक रिपोर्ट। कार्य सभी निर्विघ्न करो, तुम तेरी शरण में आए हम सब। शकवाहन हो मोदक प्रिय लंबोदर गणेश जावे सब। विघ्न हरण हे रम विनायक मंगल करता। आपका नाम? एडवोकेट वर्षाबेन चावड़ा। मैडम, आज से जो आपका नया न्यायालय शुरू हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? समस्या इतनी अच्छे से हल करेंगे कि जो भी वहाँ थी वो यहाँ इतनी हम नहीं करना चाहते। अच्छे से हम यहाँ मिलजुल के रहेंगे और इतना अच्छा सा माहौल भी है। आज के दिन हम इतनी अच्छी खुशियाँ भी महसूस कर रहे हैं। और यहाँ जो इनॉग्रेशन में हम चीफ गेस्ट आ रहे हैं, यहाँ जो चीफ गेस्ट आ रहे हैं विजय भाई रूपाणी, तो हमको भी खुशी है कि वो यहाँ आके ये ओपनिंग कर रहे हैं। तो आज के दिन के लिए बस हमको इतना ही कहना है कि बस यहाँ आके सब अच्छे से एक फैमिली की तरह रहे और जो भी वहाँ की जो समस्याएं थी यहाँ हल होने जा रही है, तो हमको बहुत 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 खुशी है। जय हिंद, जय भारत। सर, आपका नाम? एडवोकेट निहल के सुतरिया, एक्स सेक्रेटरी वडोदरा वकील मंडल। सर, आपके नए न्यायालय की शुरुआत आज से हुई है, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? आज 17 तारीख है और वडोदरा वकील मंडल के लिए बहुत उत्साहित दिवस है। जटिल प्रश्न है, क्योंकि जो बैठक व्यवस्था की बात करने जाए तो कम से कम 400 या 500 एडवोकेट यहाँ बैठ सकते हैं, जबकि हमारी संख्या मोर देन 3000 एडवोकेट्स बड़ौदा की है। तो कोर्ट इतनी बढ़िया बनाई है, लेकिन जब वकीलों के बैठने की चीज़ है वो सबसे बड़ा जटिल प्रश्न है। आज भी बैठक व्यवस्था का जो प्रश्न है, जो मुद्दा है, वो वही का वही है। करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद आज भी वकीलों के लिए बैठक व्यवस्था का मुद्दा वही का वही है। थैंक यू वेरी मच।